आपको याद होगा कि टाइगर श्रॉफ की जब पहली फिल्म आई थी तो उनके फेस को और उनके अपीयरेंस को लेकर के एक मीम चला था, जिसमें उनको और करीना कपूर को एक डुप्लीकेट या कॉपी पेस्ट इमेज जैसा माना जा रहा था। तो टाइगर श्रॉफ के फेस में जो करीना कपूर की छवि दिख रही थी, जो फेमिनिज्म दिख रहा था, तो ये फेमिनिन फेस कैसे होते हैं? क्या ये बाई बर्थ होते हैं या क्या ये भी एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन जानने से पहले आप हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें अभी तुरंत, और आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और जुड़े हमसे व्हाट्सएप पर। पुरुषों में फेमिनिन फेस होना या महिलाओं में मैस्कुलिन फेस होना, ये एक तो इस वजह से भी हो सकता है कि आप बाय बर्थ जेनेटिकली आपकी हड्डियों की मांसपेशियों की बनावट ही ऐसी हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कुछ ट्रीटमेंट कराते हैं, फेशियल कॉन्टूरिंग करवाने के लिए जाते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन की तरह जब एक्सपर्टीज पूरी ना हो और कुछ इस तरह से फिलर्स का प्रयोग कर लिया गया या कॉन्टूरिंग ट्रीटमेंट ऐसे किया गया कि उनकी वजह से आपने एक मैस्कुलिन फेस को फेमिनिन कर दिया या फेमिनिन फेस को मैस्कुलिन कर दिया। तो आइए जानते हैं फेशियल कॉन्टूरिंग क्या होती है। फेशियल कॉन्टूरिंग बेसिकली उन लोगों के लिए प्रयोग की जाती है जो कुछ नाखुश होते हैं, कभी अपनी नाक से या कभी अपने होठों के पतले होने से। तो कुछ मीडिया प्रोजेक्टेड ब्यूटी भी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें स्वाभाविक रूप से आकर्षक लगती हैं। तो अगर मान लीजिए आपके आपका माथा बहुत छोटा है, या आपकी नाक जो है वो चपटी है, या आपके होठ ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा पतले हैं, या आपको ब्लशर इफ़ेक्ट या हाई चीक बोन्स पसंद हैं वो नहीं है आपको, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए हम फेशियल कॉन्टूरिंग ट्रीटमेंट की मदद लेते हैं, जिसमें हम थ्रेड्स का प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी भी कभी कभी यूज़ की जाती है, या फिर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आजकल वो है फिलर ट्रीटमेंट्स। तो जब हम एक पुरुष के चेहरे को देखते हैं और उसको और मैस्कुलिन करने के या उसको और आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये ध्यान रखा जाता है कि पुरुषों का माथा महिलाओं के चेहरे की अपेक्षा थोड़ा चौड़ा होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है, आईब्रोज का जो लेवल होता है वो हॉरिजेंटल होता है या समतल होता है, जबकि जो महिलाओं की भवें होती हैं वो कमानीदार या कर्व्ड होती हैं। उसी की तरह फिर अगर हम बात करें लिप्स की, तो लिप्स मेल्स में फ्लैट पसंद किए जाते हैं, जबकि महिलाओं में थोड़े से वोलप्शियस या थोड़े से कॉन्टूर्ड लिप्स ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। लोअर फेस की बात करें तो पुरुषों के चेहरे में लोअर फेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जिसको जॉ लाइन जो होती है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और इसको हम टेक्सस इफेक्ट या जॉर्ज क्लूनी इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये माना जाता है कि वो पुरुष जिनकी जॉ लाइन बहुत अच्छी वेल डिफाइंड होती है और जॉ लाइन के नीचे कोई भी फैट नहीं होता है, वो फेस काफ़ी आकर्षक और मैस्कुलिन लगता है। अगर हम फीमेल फेस की बात करें तो फीमेल फेस में सॉफ्टनेस होती है, यूजुअली फीमेल फेस ओवल पसंद किए जाते हैं, जॉ लाइन में जो चिन है वो शॉर्ट और टेपर्ड होती है, और जॉ लाइन की जो विथ है, जो ब्रॉडनेस है, वो थोड़ी सी कम होती है। तो जब हम फेशियल कॉन्टूरिंग ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, चाहे हम नाक को एलिवेट कर रहे हों या लिप्स को या आईब्रोज को शेप दे रहे हों, उस समय ये जो मैस्कुलिन और फेमिनिन जो डायमेंशंस हैं उनको हमें रेस्पेक्ट करना होता है। और अगर आपने गलती से उस तरह के, जैसे एक मेल फेस ट्रीटमेंट के लिए आया है, पुरुष का चेहरा है, और हमने उनमें हाई चीक बोन इफेक्ट क्रिएट कर दिया, तो वो फेस थोड़ा सा फेमिनिन लगने लगता है। तो शायद कुछ ऐसा ही हुआ था टाइगर श्रॉफ के साथ, जो बाद में ठीक कर लिया गया एंड नाउ ही इज़ एब्सोल्युटली हैंडसम। तो आप भी अगर कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट सोच रहे हैं, या आपको लगता है कि आपकी नाक उतनी आकर्षक नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। और इसमें फिलर ट्रीटमेंट्स का जो प्रयोग किया जाता है, इसमें समय बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, 15 मिनट से आधे घंटे में नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं ये, और इनकी मदद से आप अपने लिप्स को आकर्षक बना सकते हैं, आप अपने आईब्रोज में कर्व ला सकते हैं, आप अपनी नाक को शार्प और पैनी बना सकते हैं, और अगर आपके जो चेहरा है वो कुछ स्क्वायरिश है या आपकी जॉ लाइन डिफाइंड नहीं है, तो ये सारे इफेक्ट क्रिएट करके आप स्वयं को और आकर्षक बना सकते हैं। फिलर ट्रीटमेंट या फेशियल कॉन्टूरिंग ट्रीटमेंट कराने के लिए आपका जो खर्च है वो 20,000 से 40-50,000 तक आ सकता है, और इसके जो रिजल्ट्स को आप 1 साल से 2 साल तक एंजॉय कर सकते हैं। कुछ फिलर्स ऐसे होते हैं जो यूजुअली हम अंडर आई हॉलोनेस को करेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो लाइफ है 1 से 1.5 साल होती है, और जो फेशियल कॉन्टूरिंग या जॉ लाइन के लिए या चीक्स को एनहांस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनकी लाइफ अमूमन 2 से 2.5 साल तक रहती है।
तो फेशियल कॉन्टूरिंग ट्रीटमेंट एक एक्सपर्टीज चाहता है, एक मेडिकल नॉलेज चाहता है, क्योंकि आपकी त्वचा के नीचे न केवल मांसपेशियां और हड्डी है बल्कि ब्लड वेसल्स का पूरा एक जाल बिछा होता है। और फिलर जो होते हैं काफ़ी जेल जैसा एक मटेरियल होता है, और अगर उसको एक्सीडेंटली किसी ब्लड वेसल में डाला गया तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई रुक सकती है, आपकी उस एरिया की स्किन डैमेज हो सकती है। तो इस ट्रीटमेंट को आपको किसी चिकित्सक या डॉक्टर से ही करवाना है, अनुभवी चिकित्सक होना चाहिए जिसको न केवल एनाटॉमी का ज्ञान हो बल्कि उसका एक एस्थेटिक सेंस भी होना चाहिए, उसका एक अनुभव होना चाहिए कि मेल फीमेल और फीमेल फेस में और मेल फेस में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, और उनको वो एड्रेस करते हुए उनका ध्यान रखते हुए ही आपका ट्रीटमेंट करे, तभी आपको इस ट्रीटमेंट का पूरा फ़ायदा मिल सकता है, आप इसका आनंद उठा सकते हैं। तो जब भी ये ट्रीटमेंट कराने जाएं तो सबसे पहले असेसमेंट करवाएं और किसी डॉक्टर से ही इस ट्रीटमेंट को करवाएं। तो ये तो थी जानकारी फेशियल कॉन्टूरिंग के बारे में, फिलर से अपनी नाक और लिप्स को ठीक करने के बारे में। अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर प्रभा सिंह और आपके सवालों का जवाब दूंगी। और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।